जा रही हूँ अम्मी की तरफ। मेरी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, आज थोड़ी ज़्यादा नासाज है। तो आज़ाद कहेंगे अम्मी की तरफ चली जाओ तुम अपने, तो मियाँ को भी पता है अम्मी के यहाँ जाके तबीयत सबसे ज़्यादा सेट हो जाती है। तो बस मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। भैया मुझे पिक करने आए हैं, भैया आए हुए थे शूट पे कहीं, आई थिंक हाईवे पे या कहीं पे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ले लेता हूँ, बोला ओके। तो अब मैं मिलवाती हूँ भैया से अपनी गाड़ी में जाके। मतलब ये शख्स हमारे फ्लैट में आके फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये चेक करो ज़रा इसकी मेहनत चेक करो। ओ भाई पैसे लगते हैं हमारे फ्लैट में आके इस तरह के काम फोटोग्राफी करने के अपने हैं। ये रहा तुम्हारा जूस, मैं देखो अपने भाई के लिए शरबत वरबत बना कर लाई हूँ। कैसे हो? जल्दी से निकलेंगे, सुबह 7 बजे का घर से निकला हुआ है शूट पे, और ये यहाँ पे आके इसने नया कैमरा लिया है। तो यहाँ पे जगह वाइड एंगल्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं वो तो ट्राई करने में लगा हुआ फुल टाइम। थके हुए पे भी इसका ये हाल है। करो तुम इसको गोरिल्ला स्टैंड कहते हैं ना, ओके ओके जनाब पहले सलाम करो मेरे। अभी मुझे लेने आ गया है, अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। और मैं भी सबको बताई थी मैंने, जब मैं लड़कियों की तबीयत खराब होती ना मियाँ बोलते हैं अम्मी की तरफ चली जाओ तबीयत सेट हो जाएगी, अगर साथ में मुझे बोला जाओ आंटी की तरफ चली जाओ। तो भैया इत्तेफाकन छूट पाए हुए थे ये बेचारा, वैसे मेरा प्यारा सा भाई अपने घर पे भी होता है ना मुझे लेना छोड़ना कर रहा होता है, तो बाप समान कितनी इज्जत करती हूँ मैं। बेटा लेना छोड़ा तो करता हूँ इसलिए करती हूँ। ये देखो सारा कैसा है, मैं इसके लिए टिकटॉक की वीडियोस भी बना के रखती हूँ, इंस्टा पे भी वीडियो हो सकती है, इतनी इज्जत करती हूँ मैं। मौसम चेक करें आप, सिर्फ गर्मी है लेकिन उसके साथ साथ हवा और बादल भी बड़े प्यारे हैं। अच्छा जनाब तो मैं पहुंच गई थी अम्मी के यहाँ और मेरा बेटा गया मतलब ट्यूशन। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं सर हम आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की खा रहे हैं? मैंने तो रात में पहले मैंगो और वनीला आइसक्रीम खाई थी। वनीला कौन सी? मैंगो और वनीला उसका डब्बा, और नानू ने उसका डब्बा दिया था। और ये वनीला होता है? वनीला फिर से बोले, स्ट्रॉबेरी और वनीला। हाँ वनीला। अच्छा क्या और वनीला? नानू को थैंक यू तो कर दे अभी। नानू ने नहीं, खाला ने भेजा था। अहमद खाला ने भेजी है भाई, खाला ने भेजी है। नानू ने भी भेजी है। अहमद खाला कैसे आई है ना अभी तो ये? अरे पिघल रही है। अरे भाई पिघल रही है हमारी आइसक्रीम, पिघल रही है, हम अभी खा कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त खेलना है बड़े भैया छोटे भैया के साथ। इनकी निकाम से बहुत बनती है, बड़े भैया से बहुत बनती है इनकी। तद्दू तुम सरप्राइज नहीं हुए? तुम मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुए? तुम खैरियत, तुम इतने डिसेंट बन के क्यों गए थे? अरे शक्ल इतनी डिसेंट नहीं है। ओ माय गॉड। क्या हुआ? बोलता है? और कैटी कैसे बोलती है? कैटी कैसे बोलती है बताएं? नहीं कैटी और कैटी कैसे बोलती है? म्याऊ माऊ। ओ अल्लाह मैं डर गई। अच्छा माऊ बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। मेरा भतीजा मुझे फुप्पा ऐसे बोलता है, मुझे लगता है भाऊ भाऊ बोल रहे मुझे। महावीर फुप्पा बोले, ये देखें वाह वाह। और भाऊ भाऊ बोले, और भाऊ भाऊ बोले। Okay.
मैं आई भी तो दोपहर से हूँ, लेकिन इस घर के लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था मेरे ब्लॉग में आने का। सबसे पहले मैं भी मिलवा देती हूँ आपको। हाय, हेलो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका छोटू, इनका छोटू मेरे पास है, इनका छोटू को अम्मा नज़र आ रही है, तो अभी इनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर है, बाकी मैं अम्मी से मिलवाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ मसरूफ थी आप पूरा दिन से? आप मेरे हत्ते क्यों नहीं लग रही थी? और ये रहा ताहा बेचारा, वर्कआउट करके सब कुछ करा के टन बैठे हुए। ताहा कैसे हो? ताहा आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए हमें। फाइबर है, फीवर है, क्या है जिस पे काम होता है? फाइबर, वो सीखना है। तुम कुछ कर, तुम भी हो ना उस पे, क्या करते हो तुम? आप प्लीज़ ज़रा ज़ोर से बोलेंगे। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वर्कर डेवलपमेंट और कंटेंट राइटिंग। अभी जो है दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक एफिलिएट राइटिंग चल रही है अमेज़न के लिए। ओके ओके। और विकर फर्नीचर के लिए, और दूसरा ये है कि एक होस्टिंग कंपनी प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है, उसके लिए टेक्निकल। ये एफिलिएटेड मार्केटिंग जो होती है, एफिलिएटेड कहते हैं ना उसको? एफिलिएटेड बेसिकली वो चीज़ होती है जो आप किसी प्रोडक्ट के लिए ले रहे हो अटैचमेंट। अच्छा, अमेज़ॉन के लिए जो करते हैं उसका काम कैसा होता है? अमेज़ॉन बहुत आगे ही मतलब मसला ये, वो पाकिस्तान में तो है नहीं, है ना? अमेज़ॉन यहाँ डिलीवर करता है? नहीं, की जाती है। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कर रहे नहीं कर रहे। चलो आपकी कब जॉब से आपको निकाल देगा आपको पता नहीं चलेगा। सही बात है, अल्लाह रहम ही करे। चलें, थैंक यू सो मच। ओके जनाब, तो बहुत रात हो चुकी है, 2:30 बज चुके हैं। अम्मी के यहाँ के टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं हल्की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे जुहान साहब सो रहे हैं, ये रहे जुहान साहब और सारा बैठी हुई। तो बस असल में मेरी तबीयत आज काफ़ी ख़राब है, मेरी 2 दिन से मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, तो आज मुझे कल पूरी रात वॉमिट्स और इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों ख़राब हुई हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मेरी आंसू मतलब ख़राब हो गई थी, तो भैया ने मुझे पिक कर लिया था। तो बस ये कि आज अम्मी ही आई हूँ, अम्मी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं जाने की, साथ ही कह रहे थे तुम आराम करो, कोई मसला नहीं है, कल आ जाना। तो इंशाल्लाह कल दोपहर तक मैं चली जाऊँगी। बाकी यहाँ पर आगे टाइम का पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हंसी मतलब ऊपर से मेरे सबसे छोटे भाई की शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई, आधे ज़्यादा टाइम तो उसमें। आप मेरा चश्मा भी देख सकते हो, मैं मुँह हाथ धो के निकली थी, मैंने अभी चश्मा भी साफ़ नहीं किया था। इसी बात के साथ मैं एंड करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लास्ट तक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि मुझे भी हेल्प मिले ग्रो होने में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।